हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज प्रिया. आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सीआरसी यूनिवर्सिटी ने आज बहुत सारी न्यू अपडेट और न्यू अनाउंसमेंट जो है वो निकाली है. ठीक है, तो बहुत सारा नोटिफिकेशन आया है आज सीआरसी यूनिवर्सिटी में. तो देखते हैं क्या है ये नोटिफिकेशन. वन बाय वन सारे नोटिफिकेशन को हम रीड करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो भी न्यू न्यू अपडेट्स आई हैं आपको उसके बारे में पता लगता है. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, तो जो फर्स्ट आई है हम उसको देखते हैं. अपडेटेड की फीचर्स दिए हैं उन्होंने, इंस्ट्रक्शंस दी हैं फॉर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो आपका रखा है उन्होंने असिस्टेंट पोस्ट क्लर्क के लिए और असिस्टेंट के लिए. ठीक है, पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड असिस्टेंट के लिए. ठीक है, तो उन्होंने कुछ फीचर्स डाले हैं. कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड टेस्ट जो आपके होने वाले हैं 26 to 28 को, उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है. तो जो भी इस रिक्रूटमेंट पे इस पोस्ट में अपने आप को रिक्रूट करना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा. तो उन्होंने लिखा है कि कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका इंग्लिश में होगा, 10 मिनट्स का होगा. जो कैंडिडेट्स है वो एक ही वेबसाइट से या एक ही सिंगल सिस्टम से लॉगिन कर सकते हैं, मल्टीपल लॉगिन पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद कैपिटल कैरेक्टर हैव टू बी टाइप्ड इन कैपिटल एज द वर्ड विल बी काउंटेड एज अ मिस्टेक, काउंट किया जाएगा. मतलब बहुत सारा जो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि जब आपका टेस्ट होगा तो ये चीज़ें उसमें देखी जाएंगी. ठीक है, तो आप पढ़ लेना कि कौन कौन सी चीज़ें आपको बोली है उन्होंने. एरर्स कैसे काउंट किए जाएंगे, जैसे काउंट ऑफ इनकरेक्ट वर्ड्स देखे जाएंगे. आपके रॉन्ग वर्ड टाइप कर दिया आपने तो उसको काउंट किया जाएगा. एक्स्ट्रा वर्ड टाइप कर दिया उसको भी एज अ मिस्टेक काउंट किया जाएगा. अगर वर्ड को स्किप कर देते हैं आप तो उसको भी एज अ काउंट, देन इट विल नॉट बी काउंटेड. अगर आप स्किप कर देते हैं तो उसको एक मिस्टेक नहीं मानेंगे. बाकी दो फीचर्स जो हैं, जैसे आपने कोई इनकरेक्ट लिख दिया या फिर आपने रॉन्ग टाइप कर दिया तो मिस्टेक मानी जाएगी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फॉर्मूला गिवन दे रखा है कि नेट वर्ड पर मिनट्स जो है कंसीडर किए जाएंगे फॉर कैलकुलेटिंग द कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड के लिए. तो उन्होंने दे रखा है कैसे वो निकालेंगे टाइमिंग को, कैसे स्पीड्स को मेजर करेंगे. उसके बाद उन्होंने कुछ अदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि जो आपका वेब लिंक होगा, मतलब जो आप मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने टेस्ट की, वो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे बता देंगे. 22 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 बजे से आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. उनको जो कैंडिडेट है वो सारे फॉलो रीड करें इंस्ट्रक्शंस को और फॉलो भी करें अपना एडमिट कार्ड इशू करने से पहले या जो भी होगा. उसके बाद उन्होंने कहा है कि डू नॉट क्लिक ऑन द क्लोज बटन. आप क्लोज बटन पर क्लिक नहीं करेंगे और विंडो ड्यूरिंग द टेस्ट, अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो आप क्लोज बटन पर क्लिक नहीं करेंगे. डाटा विल नॉट बी सेव नहीं होगा. डोंट ट्राई टू कॉपी ड्रैग पेस्ट. तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस है जिनको आपको ध्यान में रखना है जब आपका टेस्ट होगा. ठीक है, एक तो ये नोटिफिकेशन आया है. सेकेंड नोटिफिकेशन देख लेते हैं अब आपका क्या आया था. ठीक है, तो जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो ये है आपका, पोस्टपोनमेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी अकेडमिक जो स्पोर्ट्स आपसे, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एनुअल स्पोर्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 2018 and 2019 and 2020. मतलब जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था आपका, तो उसकी डेट्स को डिले कर दिया गया है. ठीक है, एनुअल स्पोर्ट्स प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है आपका 2018, 2019 and 2020 का, उसको शेड्यूल्ड किया था 23 दिसंबर को, उसको पोस्टपोन कर दिया है. अब 28 दिसंबर को होगा 10 बजे से. ठीक है, ये आपका सेकेंड नोटिफिकेशन है. थर्ड आपका नोटिफिकेशन ये आया है. नेक्स्ट आपका नोटिफिकेशन आया है नोटिस फॉर, जूम कर लेते हैं थोड़ा इसको. ठीक है ना, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी ने दिया है. कौन सा नोटिफिकेशन है आपका ये, इट इज इन सप्रेशन ऑफ दिस ऑफिस नोटिस वाइट एंडर्स नंबर CBS/B2023-103. The competent authority has approved the following revised schedule for depositing the continuation fees and course extension fees. अच्छा, जो आपकी depositing fees थी, रिवाइज किया गया schedule को उसको, और continuation fees को submit करने के लिए और course extension fees को submit करने के लिए. कौन से session का है, 17, 18 और 20, 21 तक का. ठीक है, प्लीज उसके बाद साथ में 18% GST भी है ऑफ टोटल फीस का. तो उन्होंने शेड्यूल की है कि कैसे आपको फीस देनी है. ठीक है, तो देखिए 21 से 31 दिसंबर तक नो लेट फीस, कोई भी लेट फीस नहीं होगी. और 31 दिसंबर तक जिन्होंने अभी तक फीस नहीं दी है वो फीस अभी तक सबमिट कर सकते हैं. उसके बाद करोगे तो आपका फाइन लगता रहेगा. जैसे अगर 1 से करते हो 31 जनवरी के अंदर तो 25%, उससे ज़्यादा डिले करोगे तो 15% एंड देन 100%. ठीक है, पर अकेडमिक सेशन के रखा है इस पर KU के रूल्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा ऐसे आपकी फीस होंगी. जैसे कंटिन्यूएशन फीस आपकी 5000 है, कोर्स एक्सटेंशन फीस आपकी 10,000 है फॉर ऑनर्स कोर्सेज ओनली.
सीबीएसई रूल्स के अकॉर्डिंग कैसी है, कंटिन्यूशन फीस आपकी 50,000 है, कोर्स एक्सटेंशन फीस आपकी 24,000 है पर कोर्स के, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, रिवाइज शेड्यूल है आपकी फीस के रिगार्डिंग, ठीक है। सेकेंड देखिए, हमने नोटिस पढ़ लिया। नेक्स्ट आपका है पेंटिंग कॉम्पिटिशन। एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो है वो सीएसयू यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, कंडक्ट करवा रही है। उन्होंने कहा है जो बच्चे हैं या फिर जो भी अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, विलिंग टू ऑर्गेनाइज, कि सीएसयू जिन जो है ऑर्गेनाइज करा रहा है पेंटिंग कॉम्पिटिशन वेरियस थीम्स में जो श्रीमद भगवद गीता से रिलेटेड होगी। ऑल दी कंसर्न आर रिक्वेस्टेड सेंड अ टीम ऑफ टू स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट। जो भी कंसर्न है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको बोला गया है कि दो टीम्स में एक टीम बना के भेजेंगे दो बच्चों की, जो इस इवेंट में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और जो कॉम्पिटिशन है आपका ऑर्गेनाइज होगा 24 दिसंबर को, ठीक है, 11 बजे होगा, 11 से लेकर 1 बजे तक, इन रूम नंबर 112 में होगा। जो विनर्स होंगे, फर्स्ट प्राइज़ वालों को 2100 रुपीज़ मिलेंगे, सेकंड प्राइज़ वालों को 1100 रुपीज़ मिलेंगे, थर्ड को 500 एंड कंसोलेशन प्राइज़ मिलेगा आपको 300 रुपीज़ का। तो जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने जो कॉलेज हैं उसे कंसल्ट कीजिए, ईमेल कीजिए जहाँ पे आपको दे रखा है, रजिस्टर कीजिए अपनी एंट्रीज़ को, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर्थ नोटिफिकेशन। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका गिवन है मॉक टाइप टेस्ट का, ठीक है, देख लेते हैं क्या है मॉक टाइप टेस्ट। ठीक है, मॉक टाइप टेस्ट जो आपका टाइपिंग टेस्ट का था, मॉक का जो आपको बोला था, तो उसके लिए दे रखा है इंस्ट्रक्शन फॉर टेकिंग डैमो टेस्ट के, इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कैसे आप डैमो टेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डैमो टेस्ट का प्रोग्राम खुल जाएगा। उसके बाद क्या क्या आपको कीज प्रेस करनी है, कैसे अपना टेस्ट देना है, वो सब इसमें गिवन है आपको सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आपको इंस्टॉलेशन करना है, जो भी आपका नेट फ्रेमवर्क होगा, जो भी आपका सॉफ्टवेयर आपको बोला है, सब डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, अपना मॉक टेस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो नोटिफिकेशन आई है वो है रिवॉल्यूशन रिजल्ट्स ऑफ सितंबर 2020 एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो जो आपके अभी एग्ज़ाम हुए थे, आपके सितंबर में जो रिजल्ट्स आए थे, सितंबर रिजल्ट्स आए थे ना अभी आपके बीएड के बच्चों के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आए थे बहुत सारे, तो वो रिवेल्युएट किए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से बच्चों के जो रिजल्ट्स थे, रिवेल्युएशन मतलब कि उनको चेंज किया गया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं बच्चों के रिजल्ट्स में। तो जिन जिन बच्चों के रिजल्ट्स हैं उसको चेंज किया गया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गिवन है, ये आपका रिजल्ट दे रखा है रिवेल्युएशन का, ठीक है। एक सेकेंड देखिए, बैचलर्स मई 2020 कॉमर्स के स्टूडेंट्स का सेमेस्टर वाइज है 4-6 है, उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस के हैं, सेमेस्टर्स वाइज गिवन है आपको, आर्ट्स के बच्चों के लिए हैं, मतलब जिनके भी जो उन्होंने कहा था कि अपडेट करेंगे, कुछ गलतियां रह गई थी तो रिवेल्युएट किया गया है, वापस से देखा गया है, फिर आपका रिजल्ट डाला गया है। तो जिन बच्चों को लगता है कि हमारा रिजल्ट अपडेट होना चाहिए था वो यहाँ पे देख सकते हैं, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स का है सेमेस्टर 4-6 का। तो ये सारी जो थी आपकी आज की नोटिफिकेशन थी जो यूनिवर्सिटी ने, सीआईएस यूनिवर्सिटी ने डाली थी। तो आई होप आपको सारी नोटिफिकेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि आगे जो भी अपडेट्स हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।